नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, डर गम दर्द जो भी तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आपसे जैसा वादा किया था वो कारवा आज आ गया है। हमने वादा किया था 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे और आज हम 22वें डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच गए हैं। आज हम चरखी दादरी पढ़ेंगे। जब मैंने गुरुग्राम से इस कारवे की शुरुआत की थी ना, तो बहुत से कमेंट आए थे, सर आप पूरा नहीं करवाओगे। तो प्यारे बच्चों, हम है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो। आज हम जो जिला पढ़ने वाले हैं, जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज हम पढ़ेंगे बच्चों चरखी दादरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चरखी दादरी पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट कवर करता चलेंगे। चरखी दादरी है प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना से क्वेश्चन आता है। मैं इसकी स्थापना के बारे में ना, एक तो प्यारे बच्चों इसकी स्थापना ना 18 सितंबर वाली डेट है, 18 सितंबर 2016। एक डेट है 18 अक्टूबर 2016। एक तारीख है 16/11 यानी 16 नवंबर 2016। और एक तारीख है प्यारे बच्चों दिसंबर 2016, दिसंबर 2016। इन चारों डेट में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। और आज के बाद प्यारे बच्चों, आपको ना दोबारा कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, 18 सितंबर 2016 को ना मनोहर लाल खट्टर ने एक रैली की थी। क्या की थी? मनोहर लाल खट्टर ने क्या की थी? एक विकास रैली की थी, हरियाणा विकास रैली। कौन सी की थी? हरियाणा विकास रैली की थी। और इस रैली में ना जो चरखी दादरी के लोगों की 25 साल की डिमांड थी ना, वो मनोहर लाल खट्टर ने इनकी क्या कर दी थी? घोषणा। तो चरखी दादरी की घोषणा कब हुई थी? तो चरखी दादरी की घोषणा प्यारे बच्चों 18 सितंबर 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विकास रैली में की थी। और फिर प्यारे बच्चों, घोषणा होने से तो काम नहीं बनता ना। आज जब भी हमारे फौजी भाई शहीद होते हैं, सरकार कहती है हम 1 करोड़ देने की घोषणा करते हैं, वो पहुंचते कब है ये किसी को पता नहीं है। अब फिर प्यारे बच्चों 18 अक्टूबर 2016 को ना एक कमेटी बनी थी। किसको बनाने के लिए? चरखी दादरी को बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? ओम प्रकाश धनखड़ होते थे। पुराने टाइम में जो पिछली सरकार में ना जो पशु डिपार्टमेंट होता था, कि वो किसके पास होता था? ओम प्रकाश धनखड़ के पास होता था। तो 18 अक्टूबर 2016 को कमेटी बनी। और इस कमेटी के फैसलों को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली थी? तो कैबिनेट में मंजूरी मिली 16/11/2016 को। एक बार HSSC ने पूछा था कि चरखी दादरी को बनने के लिए मंजूरी कब मिली थी? 16/11/2016 को। और पीछे ना एक एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों कलरक का, उसमें आया था चरखी दादरी कब बना, और HSSC ने माना दिसंबर 2016 में। क्या बना? चरखी दादरी बना। रियल में प्यारे बच्चों 4 दिसंबर को बना, तो HSSC है ना 1 दिसंबर को मानती है। तो वो HSSC ने 4 या 1 कुछ नहीं लिखा, HSSC के ऑप्शन में था दिसंबर, था महीना दिया था, तो दिसंबर 2016 HSSC मानती है। तो घोषणा कब हुई? 18 सितंबर 2016 को। कमेटी कब बनी? 18 अक्टूबर 2016 को। कैबिनेट के फैसले पर मंजूरी कब हुई? 16 नवंबर 2016 को। और बना कब? दिसंबर 2016 को। ये 4 डेट है एग्जाम में प्यारे बच्चों, इनसे कोई भी डेट आ जाए ना तो हवा की तरह है ना उड़ा देनी है। चिंता मत करना 1% भी, क्योंकि मेरे लाडले बच्चों का क्वेश्चन गलत है, नहीं होना चाहिए। अब इसके प्यारे बच्चों इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं एक जो पृथ्वीराज चौहान था ना, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय था, इसके ना पुत्र विल्हन विल्हन राज ने किसको बसाया था? चरखी दादरी को बसाया था। ये मान्यता है प्यारे बच्चों, च्विलन राज ने किसको बसाया था? चरखी दादरी को बसाया था। और कुछ ऐसी भी मान्यता है, कहते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर ना एक जगह होती थी पुराने टाइम में,
मतलब एक झील थी जिस झील का नाम क्या होता था, दादुर होता था। यानी एक झील होती थी उसमें ना मेंढक ज्यादा रहते, दादुर नहीं था झील में, क्या रहते थे, मेंढक रहते थे। और उस मेंढक को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, दादुर कहा जाता है कहते, इसलिए इसका नाम दादुर से क्या पड़ गया, दादरी पड़ गया। और इसके पास गांव है चरखी, तो बाद में ना चरखी और दादरी दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा होता था विल्लवराज, क्या होता था प्यारे बच्चों, विल्लण या विल्लवराज, इसको विल्लवराज भी बोला जाता है, विल्लव राज। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, कहते हैं ये ना मतलब यहाँ पर इस एरिया पर गया था ना, तो ये देखता है यहाँ पर ना एक प्यारे बच्चों गाय और शेर है ना, वो एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। तब वो जाकर एक महात्मा से पूछा ऐसा कैसा है, तब महात्मा ने कहा आप यहाँ रहोगे ना तो आप है ना प्यारे बच्चों बहुत सुख समृद्धि पाओगे। तब कहते हैं विलवराज ने ना इसे दादुर के इसको क्या बसाया था वहां पर, ये जिस विलवराज जिस झील से पानी लाता था उसमें मेंढक थे, तो इसने दादरी बसा दिया और दादरी के साथ लगते एरिया को क्या चरखी दादरी दोनों क्या हो गए, एक हो गए हैं। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, ये किस से अलग होकर बना है, चरखी दादरी है ना ये भिवानी से अलग होकर बना है। भिवानी किसी टाइम 4778 वर्ग किलोमीटर के साथ क्या होता था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होता था। अब जो चरखी दादरी है ना प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल की बात करूं ना, तो चरखी दादरी का क्षेत्रफल है ना 1370.11 वर्ग किलोमीटर रहेगा। 1370 ही याद कर लेना बहुत है, चरखी दादरी का जो क्षेत्रफल है ना कितना रहेगा, 1370 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा क्षेत्रफल रहेगा, किसका क्षेत्रफल रहेगा, चरखी दादरी। तो किस से अलग होकर बना, भिवानी से अलग होकर बना, एक क्वेश्चन तो यही है। और एक चरखी दादरी प्यारे बच्चों किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। चरखी दादरी प्यारे बच्चों किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो रोहतक मंडल के अंतर्गत क्या आता है चरखी दादरी। गुरुजी रोहतक मंडल के अंतर्गत कौन आते हैं, एक तो प्यारे बच्चों आपका भिवानी आता है, एक आपका सोनीपत आता है, एक आपका प्यारे बच्चों झज्जर आता है, और एक आपका कौन सा आता है ये दादरी आता है, कौन सा आता है दादरी, और एक रोहतक है खुद आता है। तो ये पूछा जाता है हरियाणा के सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में है, तो हरियाणा के रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। और रोहतक मंडल में प्यारे बच्चों कितने जिले हैं, तो हरियाणा के रोहतक मंडल में कितने जिले रहेंगे, 5 जिले रहेंगे। पानी भी जो है दो सर, हरियाणा के रोहतक मंडल में कितने जिले रहेंगे, 5 रहेंगे, रोहतक भिवानी सोनीपत झज्जर और दादरी हो जाएगा। ये याद कर लेना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे पहले हम पढ़ते थे रोहतक हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता। पहले प्यारे बच्चों रोहतक है ना एकमात्र ऐसा जिला था जो किसी भी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं करता था, सीमा साझा नहीं करता था। अब प्यारे बच्चों क्या बन गया है, रोहतक के साथ है ना चरखी दादरी, रोहतक के साथ क्या बन गया है चरखी दादरी भी हरियाणा का ऐसा जिला बन गया। पहले एक रोहतक होता था, अब रोहतक के बाद चरखी दादरी भी हरियाणा का एक ऐसा जिला बन गया जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो वो पूछेगा हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जो अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, तो रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं करते प्यारे बच्चों, सीमा साझा नहीं करते। दोनों क्वेश्चन है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, 1857 की क्रांति, तो आपको पता है प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हरियाणा में अम्बाला केंट से हुई थी। और 1857 की क्रांति में ना यहाँ का नेतृत्व किया था बहादुर जंग ने किया था। अब आप कहोगे गुरुजी 1857 की क्रांति में ना बहादुरगढ़ का नेतृत्व, तो प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति में बहादुरगढ़ का नेतृत्व भी बहादुर जंग ने किया था और दादरी का नेतृत्व भी बहादुर जंग ने किया। अब प्यारे बच्चों एक रियासत होती थी जींद रियासत होती थी, ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जींद रियासत ने किसका साथ दिया था, तो जींद रियासत ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और इससे खुश होकर अंग्रेजों ने ना जींद को ना क्या गिफ्ट किया,
जींद को क्या गिफ्ट कर दिया अंग्रेजों ने, दादरी है ना, ये किसको गिफ्ट कर दिया था, जींद को गिफ्ट कर दिया। फिर प्यारे बच्चों एक विद्रोह भी हुआ था 1864 में, ये पूछा जाता है कौन सा विद्रोह हुआ था 1864 में, चरखी दादरी विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था 1864 में, चरखी दादरी विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इन ये कह रहे थे हम है ना उन गद्दारों के साथ नहीं रहेंगे जिन्होंने भारत के साथ धोखा किया है। क्योंकि 1857 की क्रांति में प्यारे बच्चों एक तो जींद रियासत थी, एक नाभा रियासत थी और एक पटियाला रियासत थी। तो जींद नाभा पटियाला रियासत ने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। थैंक यू सर। तो जींद नाभा पटियाला रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो जींद को क्या दे दिया गया गिफ्ट में, दादरी। और फिर 1864 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। एक प्यारे बच्चों 1838 में ना यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी थी जिसे हम बोलते हैं डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी फैक्ट्री लगी थी, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। कब लगी थी डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, 1838 में लगी थी। किसने लगाई थी प्यारे बच्चों, राम कृष्ण डालमिया ने लगाई थी, राम कृष्ण डालमिया ने लगाई थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों इस फैक्ट्री ने बहुत से लोगों को क्या दिया था, रोजगार दिया था, इसलिए ना चरखी दादरी का नाम है ना डालमिया दादरी कर दिया गया था। कुछ टाइम के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया था, डालमिया दादरी कर दिया गया था। एक बंदे के नाम पर नाम होना बहुत बड़ी बात है। तब कहते हैं प्यारे बच्चों 1858 में सांसद होते थे रामकृष्ण मुकुंद, 1858 में सांसद होते थे रामकृष्ण मुकुंद क्या होते थे 1800, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब होते थे 1859 में, 58 में क्या होते थे, सांसद होते थे, ये याद कर ले। ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री प्यारे बच्चों गलती से लिखा गया 1938 है, कब बनी थी 1938, क्योंकि 1981 में ना इसका भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, गलती से लिखा गया, माफी चाहता हूं, 1981 में इसका भारत सरकार ने क्या कर लिया था प्यारे बच्चों, अधिग्रहण कर लिया था। और सीसीआई किसने अधिग्रहण कर लिया था, सीसीआई, सीसीआई की फुल फॉर्म आ सकती है सीमेंट कोर प्रो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका क्या कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। इसका अधिग्रहण किसने किया था, सीसीआई ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया। लेकिन 1996 में ना प्यारे बच्चों जब बंसीलाल सरकार बनी, कौन सी सरकार बनी, बंसीलाल सरकार बनी, और बंसीलाल ने कहा यह सीमेंट फैक्ट्री घाटे में चल रही है, तो 1996 में इस फैक्ट्री को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों 1938 में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बनी और इसलिए ना डालमिया दादरी नाम कर दिया गया, और इसके कारण 1958 में ना प्यारे बच्चों रामकृष्ण है ना मुकुंद ने आवाज उठाई कि किसी आदमी के नाम से दादरी का नाम डालमिया दादरी नहीं करेंगे। लेकिन ना रामकृष्ण मुकुंद की उस टाइम रेल मंत्री होते थे शाहनवाज खान ने ना इसका नाम बदल कर दोबारा क्या कर दिया गया, चरखी दादरी। तो चरखी दादरी नाम करवाने के पीछे किसका हाथ था, रामकिष्ण मुकुंद का हाथ होता था। 1958 की बात है, दोबारा बताया तो समझ नहीं आया होगा। 1939 में क्या हुआ था, 1938 में क्या हुआ था, ये एक फैक्ट्री लगी थी जिसे प्यारे बच्चों डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, वो पहले भिवानी बताते हैं, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया, तो वो चरखी दादरी में आ गई। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री लगी थी और 1938 में लगी थी, और इसलिए चरखी दादरी का नाम डालमिया दादरी लोग कहने लग गए थे। लेकिन 1958 में रामकृष्ण मुकुंद एक सांसद होते थे, उनके उन्होंने कहा कि किसी आदमी के नाम पर ये मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पड़ेगा, तब शाहनवाज खान ने दोबारा इसका नाम बदलकर चरखी दादरी कर दिया गया। और इस सीमेंट फैक्ट्री को 1981 में ना सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया, और 1996 में बंसीलाल सरकार ने इसको क्या कर दिया था प्यारे बच्चों, वापिस इसका नाम क्या कर दिया, मतलब इस सीमेंट फैक्ट्री को 1996 में बंसीलाल सरकार ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और इतिहास से क्या क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ये बना था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1757 में ना यहाँ पर एक कल्याणा विद्रोह हुआ था, 1757 में कौन सा विद्रोह हुआ था, कल्याणा
विद्रोह हुआ था, कल्याणा विद्रोह हुआ था। कल्याणा की कहती हैं एक विधवा जमींदारनी होती थी, क्या होती थी, विधवा जमींदारनी होती थी, सतभानी, क्या नाम होता था, सतभानी होता था। और उसने ना किसको चुनौती दे दी थी, मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड को चुनौती दे दी थी। तब आलमगीर सेकंड ने कहते हैं प्यारे बच्चों अपने बेटे को भेजा था अली गौहर को, किसको भेजा था, अपने बेटे अली गौहर को भेजा था। तो अली गौहर और इसके बीच में सतभानी माता के बीच में युद्ध हुआ और इसमें सतभानी माता की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। तो ये किताबों में भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन मिलता नहीं है, क्योंकि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है ना, तो रट कर या ऐसा सोच कर चलना एक क्वेश्चन चरखी दादरी से 101% बनेगा। तो आलमगीर सेकंड ये अली गौहर अपने बेटे को भेजा और जिसने सतभानी माता को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, श्याम सर सरोवर कहां पर रहेगा, श्याम सर सरोवर रट लेना, श्याम सर सरोवर कहां पर रहेगा, तो श्याम सर सरोवर भी कहां पर रहेगा, चरखी दादरी में रहेगा। कहां पर रहेगा, चरखी दादरी में रहेगा। एक सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा कि एशिया में एक ही जगह है, एक ही ऐसी जगह है जहां पर कौन सा पत्थर पाया जाता है प्यारे बच्चों, हिलना पत्थर पाया जाता है। वो कौन सी जगह है जहां पर हिलना पत्थर पाया जाता है, ये चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। कहते हैं कल्याणा गांव को ना कल्याण सिंह ने बसाया था, और हिलना पत्थर अगर मैं बात करूं ना, ये वैसे हिलना पत्थर है ना ब्राजील में पाया जाता है, विश्व की बात करूं तो ये ब्राजील में पाया जाता है, और एशिया की बात करूं तो चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है, ये हिलना पत्थर है ना ये कल्याणा गांव में पाया जाता है। ये पेपर में पूछा था, समुन्द्र तल की ना 400 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है ये पत्थर, कहा जाता है समुन्द्र तल की 400 मीटर किस पर पाया जाता है, ऊंचाई पर पाया जाता है। तो हरियाणा की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, एशिया में हिलना पत्थर है ना चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है, कल्याणा गांव में पाया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 101% कौन सा बनेगा, हिलना पत्थर ये कहां पर पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये समुन्द्र तल की कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, 400 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा पत्थर पाया जाता है, हिलना पत्थर पाया जाता है। अब एक है प्यारे बच्चों पीर मुबारक की दरगाह, रट लेना, पीर मुबारक की दरगाह कहां पर है, तो पीर मुबारक की दरगाह कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों, चरखी दादरी में किसकी दरगाह रहेगी, पीर मुबारक की दरगाह। अगर याद ना रहे ना, चरखी दादरी हरियाणा का जब 22वां जिला बना तो सभी ने चरखी दादरी को क्या दी थी, मुबारकबाद दी थी। तो पीर मुबारक की दरगाह कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों, चरखी दादरी में किसकी दरगाह रहेगी, पीर मुबारक की दरगाह, रट लेना, पीर मुबारक की दरगाह कहां पर रहेगी, तो पीर मुबारक की दरगाह प्यारे बच्चों चरखी दादरी में रहेगी। कहते हैं ये 400 साल पुरानी दरगाह है, एक महाराज होते थे, महाराज सकरगंज होते थे, और महाराज सकरगंज के जो शिष्य होते थे वो पीर मुबारक होते थे, तो उन्हीं की याद में पीर मुबारक की क्या बनी थी, दरगाह बनी थी। ये प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, मैंने उनको शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं ताकि आपके आगामी एग्जाम में दिक्कत ना आए। एक बार आया था रंगीला हनुमान मंदिर कहां पर पाया जाता है, रंगीला हनुमान मंदिर कहां पर है, तो रंगीला हनुमान मंदिर भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, चरखी दादरी में कौन सा मंदिर पाया जाता है, रंगीला हनुमान मंदिर। एक आता है इमलोटा का मंदिर, इमलोटा का मंदिर कहां पर पाया, देखो रंगीला हनुमान मंदिर और इमलोटा का मंदिर चरखी दादरी में। और एक बार आया था प्यारे बच्चों इमलोटा का मेला कहां पर लगता है, तो इमलोटा का मेला भी कहां पर लगता है, चरखी दादरी में कौन सा मेला लगता है प्यारे बच्चों, इमलोटा का मेला लगता है। रंगीला हनुमान मंदिर भी चरखी दादरी में, इमलोटा का मंदिर भी और इमलोटा का मेला भी चरखी दादरी में। एक बार आया था डेरीगो रेस्टोरेंट या डेरीगो पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, तो डेरीगो रेस्टोरेंट या डेरीगो पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा।
ये भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, चरखी दादरी में रहेगा। इमलोटा का मेला भी चरखी दादरी में, डेरिगो रेस्टोरेंट या पर्यटन स्थल भी चरखी दादरी में, और रंगीला हनुमान मंदिर भी कहां पर, एक बार आया था प्यारे बच्चों, गुरु नानक सभा कहां पर है, तो गुरु नानक सभा भी कहां पर रहेंगे, तो ये भी कहां पर रहेगा, चरखी दादरी में रहेगा। कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, गुरु नानक सभा भी कहां पर रहेगी, चरखी दादरी में रहेगी। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों यहां से ना कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहां से, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चों एक नाम आता है व्यक्तित्व में, हुकुम सिंह का नाम आता है। किसका नाम आता है, हुकुम सिंह का नाम आता है, जो हरियाणा के क्या रह चुके हैं, हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, हरियाणा के क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं हुकुम सिंह। एक तो ये हरियाणा के सीएम कौन होते थे, हुकुम सिंह होते थे, और ये हरियाणा के ना डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी कौन रह चुके हैं, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री चांदराम, जैसे आप पढ़ते हो ना प्यारे बच्चों, चांदराम भी थे, हुकुम सिंह भी थे, चंद्रमोहन क्या होते थे, बिश्नोई भी होते थे, और आपके दुष्यंत चौटाला भी है। तो हुकुम सिंह हरियाणा के क्या रहे थे, सीएम रहे थे और डिप्टी सीएम भी रहे थे। इनका संबंध कहाँ से था, दादरी से था। एक आता है प्यारे बच्चों हीरा लाल चिनारिया, ये याद कर लेना, हीरा लाल चिनारिया का संबंध कहाँ से था, चरखी दादरी से था। कहते हैं प्यारे बच्चों ये लोकसभा में ना, लोकसभा में क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। लोकसभा में हीरालाल चिनारिया क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, और भाषण देते टाइम इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हीरालाल चिनारिया भी कहां से है, चरखी दादरी से। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, तीन बहनें हैं, जैसे गीता कुमारी फोगाट, गीता कुमारी फोगाट कौन सी बहने हैं प्यारे बच्चों, गीता कुमारी फोगाट है, एक बबीता कुमारी क्या रहेगी, फोगाट रहेगी, और एक तीसरी रहेगी बच्चों, प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनकी रियल बहन तो नहीं है लेकिन बहनों में है, विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट से ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अभी प्यारे बच्चों कौन सा ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक पूछा जाएगा। इसकी ओपनिंग सेरेमनी कब है, तो 23 जुलाई को इसकी क्या रहेगी, ओपनिंग सेरेमनी रहेगी टोक्यो ओलंपिक की। और इसमें ना प्यारे बच्चों नंबर वन रैंक के साथ कौन जा रही है प्यारे बच्चों, विनेश फोगाट है ना। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई कुश्ती की प्लेयर है ना, कोई ओलंपिक में ना नंबर वन रैंक के साथ जा रही है। एक बॉक्सर है प्यारे बच्चों अमित पंघाल, कौन से बॉक्सर रहेंगे, अमित पंघाल भी है ना, वो भी किस रैंक के साथ जा रही है, नंबर वन रैंक के साथ जा रही है। तो हरियाणा के लिए बड़ी खुशी की बात है रहेगी, तो विनेश फोगाट। और प्यारे बच्चों इनके जो पिता है ना वो कौन है, महावीर सिंह फोगाट, कौन रहेंगे प्यारे बच्चों इनके पिता, महावीर सिंह फोगाट रहेंगे। और महावीर सिंह फोगाट को ना पीछे कौन सा पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, महावीर सिंह फोगाट को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ये भी कुछ पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये प्यारे बच्चों खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, या खेल के कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में प्यारे बच्चों, किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। एक बार आया था प्यारे बच्चों गीता और बबीता के जीवन पर आधारित, गीता और बबीता के जीवन पर आधारित फिल्म कौन सी रहेगी, तो इनके जीवन पर आधारित फिल्म कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, दंगल रहेगी। दंगल मूवी है ना, किसके जीवन पर आधारित है, गीता और बबीता के जीवन पर आधारित मूवी कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, दंगल मूवी रहेगी। और दंगल मूवी में ये आता है महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था, तो दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का किरदार है ना ये प्यारे बच्चों किसने निभाया था, आमिर खान ने निभाया था। दंगल मूवी में ना
महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? तो दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था प्यारे बच्चों? आमिर खान ने निभाया था। गीता कुमारी फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, इनका संबंध बलाली गांव से है। चरखी दादरी का गांव पूछा जाएगा, चरखी दादरी के किस गांव से संबंध रखती है प्यारे बच्चों? बलाली गांव दादरी से ये क्या रखती है? संबंध रखती है। गीता कुमारी फोगाट, बबीता कुमारी फोगाट और विनेश फोगाट का संबंध रहेगा। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। चरखी दादरी को प्यारे बच्चों ये भी आ सकता है, मेंढकों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। चरखी दादरी को किसका शहर कहा जाता है? मेंढकों का शहर कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का दादुर शब्द है। एक झील में मेंढक रहते थे, उनको दादुर बोला जाता था, इसीलिए दादरी नाम है। और 148 बी, NH 148 बी कहाँ से गुजरता है प्यारे बच्चों? चरखी दादरी से गुजरता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा NH गुजरता है? एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक एग्जाम में आया था। रेस्ट हाउस मंदिर का क्वेश्चन आ गया था प्यारे बच्चों। रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पर रहे है? रेस्ट हाउस मंदिर, रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो रेस्ट हाउस मंदिर भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? चरखी दादरी में रहेगा। एक है प्यारे बच्चों, एक एग्जाम में आया था, कपूर की पहाड़ियां, हरियाणा में कपूर की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है? तो हरियाणा में कपूर की पहाड़ियां प्यारे बच्चों कहां पर पाई जाती है? चरखी दादरी में। देखो कपूर की पहाड़ियां याद कर लेना, एक हिलना पत्थर याद कर लेना। हिलना पत्थर चरखी दादरी के किस गाँव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में चरखी दादरी के कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें है ना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों 12 नवंबर 1996 को ना, ये पक्का क्वेश्चन बनेगा। कब की बात है? 12 नवंबर 1996 को ना एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसे बोलते हैं चरखी दादरी विमान दुर्घटना। चरखी दादरी विमान दुर्घटना कब हुई थी? 12 नवंबर 1966 नहीं है प्यारे बच्चों, ये 1996 है। क्या है? 1996। कहते हैं प्यारे बच्चों, एक है ना कजाकिस्तान का विमान था, कजाकिस्तान का विमान था, एक सऊदी अरब का विमान था, आपस में टकराए थे और इसका मलबा दादरी में गिरा था, और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, 12 नवंबर 1996 को क्या हुआ था? चरखी दादरी विमान दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। दो विमान है ना आपस में टकरा गए थे और उनका जो मलबा है ना वो कहां पर गिरा था? चरखी दादरी में गिरा था। और इसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी? 349 ने अपनी जान गंवा दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसे 14वीं शताब्दी में ना विल्हान राजपूत ने बसाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं 14वीं शताब्दी में ना इसे विल्हान राजपूत ने चरखी दादरी को बसाया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के बेटे विलव राजपूत ने इसको बसाया। दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो 14वीं शताब्दी में विल्हान राजपूत, और विल्हान राजपूत ने प्यारे बच्चों देखा था कि एक ही घाट पर कौन पानी पी रहे थे, शेर, और एक ही घाट पर प्यारे बच्चों बकरी भी मान सकते और गाय, ये तीनों है ना एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। तब उनको क्या हुआ था? अचंभा हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है, शेर तो बकरियों का शिकार करता है या गाय को खा जाता है। तो उसे एक महाराज के पास अचंभित होकर कहते हैं ये विल्हान राजपूत गए थे, तब उन्होंने कहा था बेटा आप यहीं पर रहिए। तो वो पृथ्वीराज चौहान के बेटे हैं ना वो प्यारे बच्चों विल्लव थे, और ये क्या है विल्हान राजपूत, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का अगर बेटा होगा तो वो तो प्यारे बच्चों पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी में मर गए, तो 13वीं शताब्दी में उनका बेटा नहीं रहेगा। तो ये 14वीं शताब्दी की बात है, अलग अलग घटना, ये इतिहास में मानी जाती है प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से, या तो पृथ्वीराज चौहान के बेटे से आएगा या विल्हान राजपूत से क्वेश्चन आएगा, तो दोनों में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार आया था रानीला जैन मंदिर कहां पर है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। रानीला जैन मंदिर कहां पर है? जैन मंदिर कहां पर है? ये चरखी दादरी में रहेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जो जैन मूर्तियां मिली थी ना, जैन मूर्तियां ये पेपर में आता है, जैन मूर्तियां हमें कहां से मिली थी? तो जैन मूर्तियां हमें आसी से मिली थी और एक रानीला से मिली थी, और
आंसी है ना ये इंसार में है और ये रानीला कहाँ पर है प्यारे बच्चों, दादरी में है। तो ये क्वेश्चन आता है रानीला जैन मंदिर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। जो रानीला जैन मंदिर है ना वो कहाँ पर रहेगा आपका, दादरी में रहेगा। कौन सा जैन मंदिर रहेगा प्यारे बच्चों, रानीला जैन मंदिर है ना वो कहाँ पर रहेगा आपका, दादरी में रहेगा। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। कौन सा मंदिर रहेगा, रानीला जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा, तो रानीला जैन मंदिर रट लेना प्यारे बच्चों कहाँ पर रहेगा, चरखी दादरी में रहेगा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना प्यारे बच्चों, उनमें से इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए वो गलत है, नहीं होना चाहिए। एक बार प्यारे बच्चों चरखी दादरी से ये क्वेश्चन पूछा था, आगामी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। डेरेगो पर्यटन स्थल पूछा गया था और एक इसमें पूछा गया था डेरेगो पर्यटन स्थल, कौन सा पर्यटन स्थल, डेरेगो पर्यटन स्थल कहां पर है, तो डेरेगो पर्यटन स्थल कहां पर है, चरखी दादरी में रहेगा। कहां पर रहेगा चरखी दादरी, चरखी दादरी अगर पूछे अलग किससे होकर बना था, भिवानी से अलग होकर बना था। अगर प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चरखी दादरी में ना महेंद्रगढ़ के भी कितने गांव जोड़े गए थे भिवानी के अलावा, ना कहते हैं चरखी दादरी में महेंद्रगढ़ के प्यारे बच्चों कितने गांव जोड़े गए थे, महेंद्रगढ़ के ना 22 गांव जोड़े गए थे। रट लेना चरखी दादरी में ना महेंद्रगढ़ के कितने गांव जोड़े गए थे, महेंद्रगढ़ के भी 22 गांव जोड़े गए थे। अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों चरखी दादरी किस से अलग होकर बना, 99% है ना आपको भिवानी मिल जाएगा। इन केस लाडले बच्चों भिवानी ऑप्शन में ना हो और आपसे पूछे कि चरखी दादरी किस से अलग होकर बना, इन केस देखो पहली प्रियोरिटी भिवानी को देनी है। अगर भिवानी ऑप्शन में ना हो ना तो आपको कह देना है कि गुरुजी चरखी दादरी है ना महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना। जैसे प्यारे बच्चों अभी है ना 23 दिसंबर 2020 को क्या बना है आपका, मानेसर नगर निगम बना है। क्या बना है, मानेसर क्या बना है, नगर निगम बना है। मानेसर नगर निगम कब बना है, 23 दिसंबर 2020 को मानेसर क्या बना है, नगर निगम बना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो मानेसर ये नगर निगम है ना ये 23 दिसंबर 2020 को बना, इसमें कितने गांव शामिल किए गए हैं, 29 गांव शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि महेंद्रगढ़ में ना चरखी दादरी के कितने गांव महेंद्रगढ़ से शामिल किए गए थे, तो चरखी दादरी में ना महेंद्रगढ़ के 29 गांव क्या किए गए थे, शामिल किए गए। तो ये 29 गांव से आपका क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि महेंद्रगढ़ में चरखी दादरी के कितने गांव शामिल किए गए थे, 22 गांव है। देखो मानेसर में तो 29 गांव शामिल किए गए थे, यहाँ 22 गांव शामिल किए गए। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन है बन सकता है। और प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, एक एग्जाम में ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ना चरखी दादरी HSSC है ना क्या मानती है, दिसंबर 2016 मानती है। इसकी तहसील चरखी दादरी और बाडड़ा हो जाएगी। तहसील की बात करूं ना, तहसील की बात करूं, एक तो चरखी दादरी हो जाएगी और एक बाढ़ा इसकी क्या हो जाएगी, तहसील हो जाएगी। तहसील पूछे तो प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी, चरखी दादरी और बाढ़ा इसकी क्या हो जाएगी, प्रमुख तहसील हो जाएगी। मैं प्यारे बच्चों जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ ना कोशिश करता हूँ कि वो सारे के सारे क्वेश्चन है ना उसमें सम्मिलित किए जाए ताकि है ना इन फ्यूचर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो गलत है ना। प्यारे बच्चों गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन चरखी दादरी से 101% आएगा। अब मैं मेन क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ जो चरखी दादरी से बनेंगे। एक तो प्यारे बच्चों प्रसिद्ध व्यक्तित्व रट लेना, क्या रट लेना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व रट लेना। क्वेश्चन बनेगा प्रसिद्ध व्यक्तित्व से 101% चाहे हुकुम सिंह से आए। पहले हुकुम सिंह का संबंध भिवानी से बताया जाता था, अब इनका संबंध कहाँ से हो गया, चरखी दादरी से हो गया। चाहे क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों हुकुम सिंह के बाद है ना, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है चंद्रावती का भी संबंध प्यारे बच्चों, चंद्रावती का भी संबंध किससे बताया जाता है, चरखी दादरी से। चंद्रावती पहली महिला विधायक बनी थी ना, चंद्रावती का भी संबंध
सर की दादरी से क्या बताया जाता है प्यारे बच्चों, जिसे पहली विधानसभा सदस्य बनी थी चंद्रावती, और पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन होती थी, विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी होती थी। चंद्रावती का पीछे क्या हो गया था प्यारे बच्चों, देहांत हो गया था, हुकुम सिंह हो गया, चंद्रावती हो गया, गीता फोगाट हो गया, बबीता बबीता फोगाट हो गया, महावीर सिंह फोगाट हो गया, कौन सा नाम रहेगा, महावीर सिंह फोगाट हो गया। और इसके अलावा प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो हीरा लाल चिनारिया हो गया, हीरा लाल चिनारिया हो गया, क्यों, क्योंकि ये स्पीच दे रहे थे और लोकसभा में बोलते 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 इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लोकसभा में स्पीच दे रहे थे और बोलते बोलते क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही मेरे को ये याद आते हैं प्यारे बच्चों, जो भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कौन होते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और एकमात्र है ना वैज्ञानिक राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते थे। और प्यारे बच्चों जो ये मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो परमाणु परीक्षण हुए थे ना, वो एपीजे अब्दुल कलाम की ही देख रेख में हुए थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी है ना स्टूडेंटों में गए हुए थे, और स्टूडेंटों में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना जब स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हार्ट अटैक के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों आज के टाइम में ना जो सबसे जरूरी बात मैं आपको लिए बताना चाहता हूँ ना, वो यही है कि जो इंसान अच्छाई करेगा ना वो बाद में भी याद किया जाएगा। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जब उनकी मोटिवेशनल लाइफ पढ़ते हैं ना, तो मतलब जब उनकी मृत्यु होती है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने अच्छे कौन होते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते थे। तभी तो कहता हूँ प्यारे बच्चों ये राजनेता लोग है ना वैसे ही हिंदू और मुस्लिम के नाम पर झगड़ा करवा देते हैं। कोरोना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया, मैं तो कहता हूँ ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। तो किसी के लिए राजनेता के चक्कर में पड़कर ना हमें अपना आपसी भाईचारा और सौहार्द नहीं खोना चाहिए। तो हीरालाल चिनारिया लोकसभा में बोलते टाइम इनकी क्या हो गई थी, हीरालाल चिनारिया की मृत्यु हो गई थी। और मेन है ना जो आपको एक हिलना पत्थर याद रखना है, कौन सा पत्थर याद रखना है, हिलना पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है, तो चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। किस गांव में पाया जाता है, कल्याणा। और विश्व में हिलना पत्थर पूछे ना कहां पर पाया जाता है, तो विश्व में हिलना पत्थर प्यारे बच्चों ब्राजील में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है। और एशिया में हिलना पत्थर एक ही जगह पाया जाता है, वो कहां पर है, एशिया में। और ये समुन्द्र तल से कितना ऊंचा मिलता है, 400 मीटर ऊंचा मिलता है, तो कौन सा पत्थर रहेगा, हिलना पत्थर भी कहां पर पाया जाता है, दादरी में पाया जाता है। और एक प्यारे बच्चों इसका प्रमुख क्वेश्चन बनेगा पीर मुबारक की दरगाह, ये लास्ट में जो भी करवा रहा हूं ना ये भी रट लिए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पीर मुबारक की दरगाह कहां पर है, 400 साल पुरानी दरगाह है चरखी दादरी में, इमलोटा मंदिर भी चरखी दादरी में, रंगीला हनुमान मंदिर भी, रंगीला हनुमान मंदिर भी कहां पर है, तो रंगीला हनुमान मंदिर भी कहां पर रहेगा, चरखी दादरी में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा, रंगीला हनुमान मंदिर रहेगा। गुरु नानक सभा भी चरखी दादरी में, ये डेरीगो रेस्टोरेंट भी कहां पर रहेगा, चरखी दादरी में। और 12 नवंबर 1996 वाला पक्का याद कर लेना, चरखी दादरी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, यही क्वेश्चन आएगा कि चरखी दादरी विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ, तो चरखी दादरी विमान दुर्घटनाग्रस्त प्यारे बच्चों 12 नवंबर 1996 को कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, चरखी दादरी। और इसमें कितने लोग सवार थे, 349 लोग सवार थे, और मौके पर ही प्यारे बच्चों ये लोग मारे गए थे, कजाकिस्तान का और कहते हैं सऊदी अरब का जो एयरलाइन थी वो आपस में टकराए थे,
और इसका मलवा कहां पर गिरा था, तो इन एयरलाइन का जो मलवा था ना वो चरखी दादरी में गिरा था। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं तो कहता हूं 101% आपसे पूछा जाएगा कि चरखी दादरी विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ। तो चरखी दादरी रट लेना विमान दुर्घटनाग्रस्त है ना कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनेगा कब हुआ था। तो कब हुआ था चरखी दादरी, 12 नवंबर 1996 को हुआ था। कितने लोग मारे गए थे, 349 लोग मारे गए थे। ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आएगा कि अब रोहतक के साथ है ना एक चरखी दादरी हो गया है, रोहतक और चरखी दादरी है ना किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है यूटी, और किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश और किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा कौन नहीं करते। पहले है ना आपका चरखी दादरी नहीं किया, रोहतक नहीं किया करता था, अब रोहतक को किसने ज्वाइन कर लिया, चरखी दादरी ने। अब रोहतक और चरखी दादरी किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। ये डिटेल कंसेप्ट पढ़ोगे ना, ये चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना है। तो प्यारे बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इन 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट आपको इतने अच्छे से करवानी, ताकि इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत है नहीं हो। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, ये हमारी पहल आपको कैसी लगी, आप कॉमेंट करके जरूर बताना। हमारा हमेशा ही एक प्रयास है कि हर घर में ना पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए, हर घर में पढ़ने वाला बच्चा नौकरी ले। और इन 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट की ना मैं पीडीएफ है ना जीके भाई प्रदीप सर टेलीग्राम का ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें इन 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट की मैं क्या डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। और प्यारे बच्चों 101% आपकी जीके में ना बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एक ऐसी बेसिक समझ हो जाएगी। अगर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन इन 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट से आप जब गुजरोगे ना तो अपने स्टेट के बारे में जान पाओगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालात में एजुकेशन को बंद मत होने देना, यह एजुकेशन ही आपको औरों से अलग करेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।